फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम ये पहला सवाल कंसिडर करते हैं, इसमें क्या है, हमको दो एपीज गिवन है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, और ये पूछा गया है कि इन दोनों एपीज में कितने टर्म्स कॉमन होंगे, इन दोनों एपीज में कितने टर्म्स कॉमन होंगे। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे अप्रोच करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो हमने कहा जरा सा ये देखो कि कह रहा पहली एपी में 60 टर्म है और दूसरी एपी में 45 टर्म्स है। तो एक काम करते हैं, पहले ये T60 और ये T45 निकालते हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 3-3 का है, यहाँ पर 3-3 का है और यहाँ 5-5 का कॉमन डिफरेंस है। तो हमने कहा कि अगर इस वाली सीरीज के लिए क्या करें, लिखें T60, तो क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, 4 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 60, 60 माइनस वन 59 इंटू डी, डी क्या है इंटू 3, ये इतना हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 181। ओके, नाउ सेकंड से हम क्या निकालते हैं, T45, और यहां से T45 क्या होगा, पहला टर्म है 5 प्लस यहां से कितना 45 माइनस 1 44 इंटू डी, डी कितना है 5। तो यहां से देखिए ये मिल रहा है हमको 225, मतलब इस सीरीज का T60 यहां तक ये सीरीज कितना गई है 181 और ये सीरीज कितनी गई है 225। नाउ अगर इन सीरीज में इसका लास्ट टर्म 181 है, इसका लास्ट टर्म 225 है, आप ये बताइए कि अगर दोनों सीरीज में कुछ कॉमन मिल रहा होगा, कॉमन जैसे कि क्या, जैसे यहां देखिए 10 कॉमन है दोनों में। ओके, 10 कॉमन है दोनों में, तो इस तरीके से आगे भी कुछ कॉमन टर्म मिल रहे होंगे। तो आप देखिए ये सीरीज तो जा ही, इसका लास्ट टर्म ही 181 है, तो इसका मतलब 180 इस सीरीज में 181 के बाद कॉमन सर्च करना वो किसी सेंस का नहीं है। तो हम 181 के बाद सेकंड सीरीज में सर्च नहीं करेंगे, सेकंड सीरीज में 181 के बाद सर्च नहीं करेंगे, एक पॉइंट तो ये था। अब यहां पर देखते हैं कि कॉमन कैसे मिल रहे हैं, तो इसको मुझे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, एक कोई पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को देखेंगे कि किस तरीके से वो पैटर्न अप्रोच किया जा रहा है। सही है, तो मैंने कहा कि सपोज करो फर्स्ट एपी क्या थी, लिखते हैं 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 and so on, कहां तक 181 तक। ये सीरीज देखते हैं 5, 10, and then 15, then 20, then 25, 30, 35, then 40, then 45। अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां लास्ट टर्म 34 है, तो फिर इसके लिखने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। पहला जो कॉमन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, द फर्स्ट कॉमन टर्म इज 10। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉमन क्या है, 13 यहां पे नहीं है, 16 यहां पे कहीं नहीं है, 19 ये भी यहां पर कहीं नहीं है, 22 ये भी यहां पर कहीं नहीं है, 25 ये कॉमन मिल रहा है। देखिए आप, ये 25 कॉमन मिल रहा है, ये 25 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब अगर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो देखते हैं 34 के बाद यहां क्या आएगा, 37 के बाद अगर यहां पर और दो चार टर्म लिखना चाहूं 40। क्यों लिख रहा हूं, कुछ दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए 40 और ये 40। तो अगर देखें कॉमन टर्म्स की सीरीज, देखें कॉमन टर्म्स की सीरीज, देखें क्या हो रही है,
पहला फर्स्ट कॉमन क्या है 10, देन 25, देन 40, क्या इसमें भी कोई पैटर्न है इस चीज को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें भी कोई पैटर्न है इस चीज को चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या है ये। मैंने कहा ये 10 है, 10 के बीच इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है 15 का, इनके बीच में डिफरेंस कितना, इसके बीच में डिफरेंस 15 है, इसके बीच में डिफरेंस 15 है, मींस इनके बीच भी एक एपी बन रही है जिसका पहला टर्म 10 है और जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 15 है। और मुझे क्या निकालना है कि कितने टर्म कॉमन होंगे, मुझे क्या निकालना है कि कितने टर्म कॉमन होंगे, तो मैं क्या कहूंगा कि लेट्स से कि n टर्म्स कॉमन है, लेट्स से n टर्म्स कॉमन है, तो आप देखना जरा सा क्या करने वाले हैं। हमने कहा अच्छा हमें ये सीरीज ले कहां तक जानी है, हम 181 एटमोस्ट तक ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस सीरीज में 181 तक है तो दूसरे सीरीज में 181 के बाद इस सीरीज में 181 तक एलिमेंट मिलेंगे, जबकि इसमें 225 तक, तो इस सीरीज के जो एलिमेंट 181 से 225 होंगे वो तो ऊपर वाली में है ही नहीं, तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो चेक कम वाले तक करेंगे 181 तक। मैंने कहा यहां से कि ये क्या है, लेट से कि ये TN है, लेट अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा बाद में वो देख लेंगे, तो हमने कहा TN इक्वल टू मींस 181 इक्वल टू व्हाट, A मींस 10 प्लस n माइनस 1, वही तो हमें पता नहीं हो, n n ही तो निकालना है, कॉमन टर्म्स ही तो निकालने हैं, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 15। हमने कहा यहां से या क्या 171 इक्वल टू 15 n माइनस 15, यहां से ये क्या बन गया 15 n इक्वल टू व्हाट 516 718 एंड 1, ये कितना हो गया 186, तो यहां से n कहता क्या होगा 186 अपॉन 15 तो अब हमको क्या देखना है, ध्यान से देखना, n क्या है 186 अपॉन 15, तो हमको इसमें इसको डिवाइड करना है और एक इंटीजर लेके आना है, देखते हैं क्या है। हमने कहा ये वन टाइम तो ये गया और थ्री और सिक्स 12 टर्म तो ये हो गए, 12 टर्म तो ये हो गए, 12 टर्म टर्म 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या 15 वन थ्री सिक्स 12.4 आ रहा है, लेकिन आप यहां पर देख लीजिए, लेकिन आप यहां पर देख लीजिए कि 12.4 आ रहा है, लेकिन हमारा जो टोटल टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, वो तो इंटीजर होंगे, और इंटीजर होंगे इसलिए इसमें से हम क्या आंसर लेंगे 12 आंसर लेंगे, 12 आंसर को लेके आगे बढ़ेंगे। एक अप्रोच इसकी ये हो गई, एक दूसरी अप्रोच से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, एक दूसरी अप्रोच से भी इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। ओके, तो फाइनल आंसर इज 12। एक दूसरी अप्रोच से भी देखते हैं कि इसको किया जा सकता क्या। यहां से ये ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 10 है, फर्स्ट कॉमन टर्म 10 है, देखते हैं कैसे हैंडल किया जाएगा। ये तो थी पहली अप्रोच इस क्वेश्चन की। ओके, नाउ लेट द सेकेंड अप्रोच। हमने कहा क्या फर्स्ट कॉमन इक्वल टू 10, फर्स्ट कॉमन इक्वल टू 10, और इसके बाद कह रहा है कि ये कॉमन मिल कैसे रहा है 10 के बाद 15, मींस 15 के डिफरेंस से नेक्स्ट कॉमन क्या आ रहा है 25। तो एक्चुअल में है क्या ये, इसका ये पैटर्न है, कुछ ध्यान से देखना, इसका कुछ ये पैटर्न है क्या, फर्स्ट कॉमन प्लस n इंटू एलसीएम ऑफ क्या
एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ ये जो कॉमन डिफरेंस 3 है और जो ये कॉमन डिफरेंस 5 है, 3.5। तो आपने देखा क्या, फर्स्ट कॉमन मींस ये 10 था प्लस n इंटू एलसीएम कितना होगा 15। तो मैं डायरेक्ट यहां से क्या लिखता हूं 15n। अब आप देख लीजिए जरा ध्यान से, आपने कहा पहला टर्म तो हमने n को क्या रखा, n को 1 पुट किया तो क्या मिला, सॉरी n को क्या पुट किया 0, n को 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 10। ओके, n को हमने क्या पुट किया 1, तो हमको नेक्स्ट कॉमन मिलेगा 15 इन प्लस 10 25। हमने n को 2 पुट किया क्या मिलेगा 30 प्लस 10 क्या 40। इसके बाद n को हमने 3 पुट किया तो क्या मिलेगा 15 3 जा 45 प्लस 55 55 ये करेक्ट है, 15 3 जा 45, 45 प्लस 10 55। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये टर्म मिल रहे हैं। अच्छा एक बात अब ध्यान से ध्यान देना कि जो ये सीरीज जाएगी कहां तक, ये देख लीजिए कि ये सीरीज जाएगी कहां तक। तो हमने कहा 15n प्लस 10 क्या हो जाए, ये 15n प्लस 10 की वैल्यू क्या रहनी चाहिए 81 तक जाएगी। हम 181 क्योंकि पहली सीरीज का लास्ट टर्म 181 था, तो हमने कहा कि ये 181 तक ले जाएंगे, लेकिन n की क्या निकालेंगे इंटीजर वैल्यू। अब देखना जरा ध्यान से, तो आपने क्या कहा n इक्वल टू 171 डिवाइड बाई व्हाट 15। यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आई देखना जरा सा, 1 और यहां से 2 और 1 तो यहां से 1, n की वैल्यू जो 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम यहां से n क्या लेंगे सिर्फ 11, यहां से n सिर्फ 11 लेंगे। अब आप देख लीजिए जरा सा, आप जब n की वैल्यू 11 आई होगी तो इसका मतलब क्या, सपोज करो कि आपका यही ये सीरीज 55 तक जा रही होती, ये सीरीज 55 तक जा रही होती, लास्ट टर्म 55 होता तो आप ये लिखते, ये 55 आता और n इक्वल टू क्या मिलता है आपको 3। लेकिन टोटल टर्म कॉमन कितने थे 1 2 3, 3 तो ये हो गए और 1 0 ये, तो 4 टर्म हो गए। इसी तरीके से अगर n क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 1 से लेकर 11 तक 11 टर्म तो ये हो गए, और n इक्वल टू 0 पर जो पहला कॉमन था फर्स्ट कॉमन 10 वो भी काउंट किया जाएगा, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 11 प्लस 1 दैट इज 12। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन कहता है, एक हमको कुछ सेट दिया हुआ है, अ वन सेट इज गिवन टू अस एंड दैट सेट इज अ काइंड ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप उसके एलिमेंट को देखिए 5, 9, 13, 17, तो इस तरह से एलिमेंट है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सेट के अंदर, जो सेट में एलिमेंट्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एंड द लास्ट टर्म में 201। ओके कह रहा इस सेट का नाम दिया गया क्या ए, इस सेट का नाम क्या दिया गया ए। अब आपसे क्या कहा जाता है ध्यान से सुनना, अब आपसे क्या कहा जाता है कि एक सेट बी है जो कि क्या है ए का सबसेट है, जो बी सेट है वो ए का सबसेट है, और बी के किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप लीजिए तो उनका और उनका सम कीजिए, वो सम किसी भी हाल में 206 नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि जो सेट बी लिया है उसमें टोटल कितना एलिमेंट पॉसिबल है, टोटल कितना एलिमेंट पॉसिबल है ये निकालना है। ओके तो मैं स्टार्ट होता हूं, मैंने कहा T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है और TN ये है मेरे A वाले सेट में। यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा कि इस सेट में टोटल कितना एलिमेंट है, तो मैंने कहा TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, जिस पर TN क्या है 201 इक्वल टू A कितना है 5 प्लस
एन माइनस वन डी क्या है, डी है फोर। तो यहां से हमने क्या किया, फाइव माइनस फोर प्लस फोर एन, टू जीरो वन। तो एन यहां से कितना आ गया, फिफ्टी। कहता है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द सेट इज ए इज 50। ओके, सेट ए में टोटल एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, 50 एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट बी सच दैट नो टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, नो द सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 206। एक पैटर्न देखते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, ध्यान से देखना। आपने कहा, आपने लिखा 5, 9, 13, 17 और ये करते हुए 201, और इसके पहले क्या रहा होगा, इसके पहले क्या रहा होगा, 1, 9 और ये 7, और इस तरह करके क्या रहा होगा, 193। इस तरह से सीरीज रही होगी कुछ। आप देखिए जरा सा इन दो टर्म्स का सम देखिए क्या है, 5, 201, इन दोनों का सम क्या है, 206। यहां इसका सम देखिए जरा सा, 9 और 197, अगेन 206, ये 13 और 193 का सम देखिए, अगेन 206। आप देख रहे हैं, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, द सेकेंड लास्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म, इस तरह से सम करते जाइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट हाफ एलिमेंट होंगे इधर और जो फर्स्ट जो रिमेनिंग हाफ इधर है, आप इधर से इस पैटर्न में मैच कराएंगे तो आपको हमेशा सम 206 मिलेगा। एंड देयरफॉर द करेक्ट वैल्यू ऑफ एन शुड बी 25। क्यों, क्योंकि एन इवन है, एन इवन है तो फिर आधे एलिमेंट इधर, आधे एलिमेंट इधर, ये लास्ट लास्ट एलिमेंट ऐड करेंगे दोनों एंड के तो 206, सेकेंड लास्ट तो 206, थर्ड लास्ट इधर से, थर्ड लास्ट इधर से तो 206। इसका मतलब सिर्फ हाफ एलिमेंट अगर आप सेट बी में रखते हैं ओनली देन इट इज पॉसिबल दैट द सम ऑफ टू एलिमेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू 206 एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 25 एंड दैट्स इट। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव द रिमाइंडर ऑफ 3। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, आप देखिए। कहता कोई नंबर है n, कोई नंबर है n, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कहता इस नंबर को आप क्या करते हो, 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने कहा इसको ऐसे लिख रहा हूं 4x+3। तो कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो देखना यहां से मैंने क्या कहा कि अगर x इक्वल टू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा, 0+3 और आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, 3। एन क्या है आपका, 3। मैंने कहा x को क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या मिलेगा, 4+3 और यहां पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, 7 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। मैंने कहा x इक्वल टू क्या, 2 करते हैं आप, तो यहां से देखिए 4 2 8 3 11 मीन्स 8+3 11। आप 11 में भी 4 से डिवीजन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे आपको क्या मिलेगा, 11 मीन्स 3 रिमाइंडर मिलेगा। अब से हमारा सवाल स्टार्ट होता है, क्यों, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स। यहां पर ये 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है। 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, व्हेन x इक्वल टू 2।
और क्या कहता है हमको, हमको क्या करना है। अब जैसे नेक्स्ट और निकाल के दिखा देता हूँ, x इक्वल टू थ्री, तो मैंने क्या कहा x इक्वल टू थ्री, तो 12 प्लस थ्री इक्वल टू वॉट 15। अगर यहाँ पर क्या कहता हूँ एक टर्म और लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ क्या कहूँगा, 4 थ्री जा 4 फोर जा 16 प्लस थ्री 16 प्लस थ्री ये 19। 19 में भी अगर आप 4 से डिवीजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो आप देखें तो मुझे सम किनका चाहिए, मुझे सम यहाँ से स्टार्ट हो रहा मेरा 11 प्लस 15 प्लस 19 और प्लस कहाँ तक, कहाँ तक, जब तक 2 डिजिट के टर्म्स मिल रहे हैं। तो अब अगर मैं सारे टर्म कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा टाइम बहुत ही वेस्ट होगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आपको एक अंश पढ़ा चुका हूँ, 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 99, वो मैंने अपने मन से ले लिया। अब मुझे क्या निकालना है, आप देखिए ये एक एपी है 4, इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का है 11, 15, कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 का इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा लास्ट टर्म हमें पता है, ये हमारा क्या है, हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो कहता लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ओके, यहां से देखिए ये कितना है 88 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 और यहां से ये कितना आ गया 23। तो इस तरीके से इसमें कितने टर्म्स कॉमन है, 23 टर्म्स कॉमन है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में कॉमन है मीन्स क्या कह रहा है, 23 टर्म्स ऐसे हैं जो सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स दैट वन डिवाइडेड बाई 4 मीन्स टू डिजिट के 23 टर्म्स हैं। जब आप मीन्स कि 23 टर्म्स ऐसे हैं जिनको आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 4 टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग, देयर आर 4 टर्म्स इन एन इंक्रीजिंग एपी। कहता एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें 4 टर्म्स हैं, आपको मैंने एपी के टर्म्स लेने का फॉर्मूला कुछ कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर सपोज करो 3 टर्म लेने हैं तो कोशिश करो कि आप क्या टर्म लो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर 4 टर्म लेने हैं तो किस तरह से लो, a माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी और क्या, a माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। आप देखिए कॉमन डिफरेंस सबके बीच में कितने का है, आप देखेंगे चारों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का कॉमन डिफरेंस है, 2D का कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो अब यहां से 2D का कॉमन डिफरेंस है इनके बीच में, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनना, यहां से आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देर आर 4 टर्म्स इन इंक्रीजिंग एपी सदस्य देयर सम इज सच दैट देयर सम इज 124 मीन्स ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 124। यहां से देखिए आप ये माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल आउट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट और बचा क्या 1 2 3 4, 4a इक्वल टू 124। तो a इक्वल टू 31, ये हमको निकल के आ गया, a इक्वल टू 31 ये हमने निकाल लिया, किस इंफॉर्मेशन से, देयर सम इज 124। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म, यहां से t1 t2 t3 और ये t4, प्रोडक्ट ऑफ
सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 128 मोर. तो ये लाइन जरा सा पढ़ते हैं. मैंने कहा x इज 2 मोर देन y. अगर इस तरह से कहीं पे लिखा हो x इज 2 मोर देन y, इसका मतलब क्या है, कैसे एक क्वेश्चन लिखी जाएगी. x इज 2 मोर, x y से 2 मोर मीन्स अगर x में 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो y के बराबर हो जाएगा. x इज 2 मोर देन y, तो इसका मतलब x में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो y के इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो अब यहां से देखते हैं, अब यहां से देखते हैं अपने सवाल को क्या कह रहा है. प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज, सेकेंड एंड थर्ड टर्म क्या है, a माइनस डी और a प्लस डी. प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 128 मोर, मीन्स 128 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. फर्स्ट और फोर्थ ये क्या है, a माइनस 3d और a प्लस 3d. ये यहां से आप लिखेंगे तो है a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये यहां से a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और ये 128. a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 9d स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8d स्क्वायर इक्वल टू 128. यहां से d स्क्वायर इक्वल टू 1 and 6, d स्क्वायर इक्वल टू 16. यहां से d इक्वल टू क्या हो गया, d इक्वल टू हो गया +4 and -4. ये हो नहीं सकता, ये होगा. ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखिए क्या बोला है, इंक्रीजिंग जीपी है. इंक्रीजिंग जीपी है तो कॉमन डिफरेंस -4 नहीं हो सकता है. तो अब आपको क्या मिल गया, आपको डी भी मिल गया 4. पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस 3d एंड थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी. तो यहां से ये क्या 2a माइनस 2d, तो यहां पे 2a माइनस डी, आपके 2a क्या है 31 और d क्या है 4. यहां से आप ये कैलकुलेट कीजिए एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. तो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएंगे. ओके एंड इट्स डन.